सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक लाइन है, अगर आप इसको इस तरीके से बीच में डिवाइड करते हैं तो एक सेक्शन बन जाता है। ये दो सेक्शन बन गए, फर्स्ट सेक्शन ये हो गया, सेकंड सेक्शन ये हो गया। तो एक थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए कि कोई टेलीफोन कंपनी है, वो एक रिले टावर लगाना चाहती है यहाँ पर पी, ए और बी पॉइंट के बीच में, और वो इस तरीके से लगाना चाहती है कि जो डिस्टेंस ए से हो इनका, और वही डिस्टेंस जो बी से हो, तो ए से डिस्टेंस से बी का डिस्टेंस पी से ट्वाइस हो, यानी ये एक्स है तो ये टू एक्स होगा, कुछ इस तरीके से लगाना चाहती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर x है ये 2x है, मैं जरा इसका रेशियो लेता हूँ, रेशियो क्या होगा 1:2। अगर हम इसको ओरिजिन लें और करीबन मान लीजिए 1 किलोमीटर का अपनी यूनिट मान लें, तो कोऑर्डिनेट b क्या होगा, ये आपका इस हिसाब से अगर 36 और 15 है, और अगर हमको p की कोऑर्डिनेट चाहिए, देखिए हमारे पास b की कोऑर्डिनेट है 36 15, a का कोऑर्डिनेट हमने कहा ये ओरिजिन है, तो इस p का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तरीका देखिए, मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई है, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब एक काम करते हैं, P से और B से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये P से जो परपेंडिकुलर आई वो S पे, B से जो परपेंडिकुलर आई वो T पे, ठीक है। अब ये यहाँ पर P और B से हम यहाँ ने अपना परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसी तरीके से यहाँ से हमने P से एक पैरेलल लाइन बनाई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो C पे आई, ऐसी ए से एक पैरेलल लाइन बनाई जो क्यू पे आई। अब यहां देखिए कि जो एंगल इसमें अलग अलग ट्रायंगल या एंगल बन रहे हैं, तो इसमें अगर हम आए दोबारा इस वाले में, मैंने क्या किया कि यहां से यहां ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब ये जो दो ट्रायंगल बने आपके, एक और दो, यानी कि हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं ट्रायंगल पीओडी और बीपीसी की, ये आपका पीओडी हो गया, पी ओ डी और बी पी सी, ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये चूंकि सिमिलर है, ये भी ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल के बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने कहा कि ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर होंगे तो क्या होगा, दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, यानी कि हमने क्या किया, ओ डी बाय पी सी ओ पी बाय पी वी के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं x बाय टू एक्स है, हमने अभी x और टू एक्स माना तो 1/2 हो गया। इसी तरीके से PD by BC OP by PB के बराबर हो गया, ये भी हाफ होगा। अब एक काम करते हैं, अब देखिएगा हमने किया क्या, OD को क्या बनाया, या कहिए OP को क्या बनाया, ये आपका OD क्या होगा, यहां से यहां तक कितना है 36, राइट, यहां से यहां तक 36 है, ये एक्स वाई है, इसका मतलब ये एक्स है, तो ये कितना हो गया PC, ये होगा 36 - x, राइट। इसी तरीके से ये कितना हुआ यहां से यहां तक, क्योंकि वाई है, ये वाई हुआ, तो ये पूरा कितना हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा 15 है, तो ये जो पार्ट होगा वो होगा 15 - y, यानी कि ये 36 - x, ये 15 - y, और ये आपका x और ये y। तो जो अभी हमने सिमिलैरिटी यहाँ बनाई, इसमें हम यहाँ पर x रख सकते हैं, 36 - x रख सकते हैं, और इसकी जगह हम y और 15 - y रख सकते हैं। तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो x आपका 12 आएगा, y आपका 5 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बता रहा था आपको। अभी देखिए थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे इसको, ये जो तरीका है जनरलाइज करने का है, पहले जो हमने शुरुआत की थी टेलीफोन वाला वो समझ लिया हमने, कि अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर 12 और 5 पी के पॉइंट है तो ओपी बाय पी भी आपका 1:2 होगा। तो जरा ये जो हमने ड्रॉप किए थे अभी अभी, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने ए और बी लिया, इसको हम लेते हैं हम एक्स वन वाई वन, बी को लेते हैं हम एक्स टू वाई टू, ये जो पी पॉइंट है ये आपका एक्स वाई, राइट। हम ये कहते हैं अब कि जो 1:2 था उसको हम एम और एम, एम वन और एम टू मान लेते हैं। हम कहते हैं कि पी पॉइंट ए और बी को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है, m1:m2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PA by PB है इसको हम कहते हैं m1:m2, यानी m1/m2, ये रेशियो हो गया आपका। अब हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप अभी की थी वो मैंने आपको बताई, पैनल भी हमने बना दी। अब देखिए कि PAQ और BPC को देखिए, यानी कि PAQ और BPC, अभी अभी हमने डिस्कशन में देखा टेलीफोन वाले ने कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये एंगल इसके बराबर है और ये आपका 90 डिग्री है, तो ए ए ए या ए ए से ये दोनों सिमिलर हो गए। इसका मतलब ए क्यू बाय पी सी विल बी इक्वल टू एम वन बाय एम टू, इसी तरीके से पी क्यू बाय बी सी विल बी इक्वल टू एम वन बाय एम टू। तो हमें मिला क्या, पी ए बाय बी पी, ए क्यू बाय पी सी, पी क्यू बाय बी सी। अब क्या करेंगे, एक एक को हम निकालते हैं, देखिएगा जो हमने पहले लिया था 36 और 15 से वो हम यहाँ निकालते हैं। ए क्यू क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स वन है,
यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक x2 है, तो ये कितना हो जाएगा x1 x माइनस x1, ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x। इसी तरीके से अब यहां देखिए, यहां से यहां तक आपका इस जगह तक ये कितना है y1 है, यहां से यहां तक y है और यहां पूरा आपका जो है y2 है, राइट। तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस ये होगा y माइनस y1 और ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक y2 माइनस y, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सारे डिस्टेंस निकाले हमने, x माइनस x1 aq हो गया, pc x2 माइनस x, pq हो गया y माइनस y2 और bc हो गया y2 माइनस y। अब ये जो हमने अभी एक्सप्रेशन देखा या रिलेशनशिप देखी, यहां पर इसको रख दीजिए। अब देखिए m1 by m2, जैसे मैंने आपको बताया कि ये है क्या, बेसिकली व्हाट इज दिस, ये ap और pb तो हमने m1 by m2 माना, जो ap by pb, तो एक बार इसके साथ करिए एक बार इसके साथ करिए, तो हमारा m1 by m2 x minus x1 by x minus x1 by x2 minus x और यहां हो गया y minus y1 by y2 minus y। अब क्या करेंगे, मतलब इस वाले को ले लीजिए, पहले वाले को, इसको जब सॉल्व करेंगे हम x के लिए, हमारे पास x आएगा m1 x2, बहुत आसान है x के लिए सॉल्व करना है इसको, अगर चाहे तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, x एक वाले को करके दिखा देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा m1 x2 minus x is equal to m2 x minus x1, ये कितना हो गया m1 x2 minus m1 x is equal to m2 x minus m2 x1, ठीक। ये x वाले को एक जगह ले जाना है, बाकी इसको इधर ले जाना है, तो हम क्या करेंगे m1 minus m2 x1 is equal to m2 x, मैं x कॉमन लूंगा, तो यहां पर ये m1 x इधर ला रहा हूं, minus m माइनस एम वन ए एम प्लस प्लस हो जाएगा, और ये जब यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा एम टू प्लस एम वन एक्स। अब इसको जरा नीचे ले आइए, तो क्या हो गया एक्स, ये वाला आ गया एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो इसी तरीके से आप दूसरे को लेंगे, दूसरे वाले को, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वाई आपका आ जाएगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन प्लस एम वन प्लस एम टू। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है, कोई भी पॉइंट पी अगर ये एम वन एम टू रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप सीधा इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट जान सकते हैं। ये कौन से पॉइंट हो गए, जो x y हम मानेंगे, x हो जाएगा m1 x2 plus m2 x1 by m1 m2 और ये वाला जो y पॉइंट होगा वो होगा m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। इसे कहते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अगर ये जो m1 m2 हमने माना, अब m1 m2 क्या है, m1 is to m2 क्या है, यही तो है m1 by m2 is to 1, दोनों साइड m1 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये m1 by m2 जो है इसको हम अगर k ले लें तो k is to 1, ये थोड़ा जनरलाइज और कर सकते हैं इसको, तो k is to 1, तो इसलिए हम m1, ये जो जहां हमारा k is to 1 आएगा, ये रेशियो जो बन जाएगा अगर इसको पूरे को दोनों साइड को हम m2 से डिवाइड करें, इसको भी m2 से डिवाइड करें ऊपर नीचे, और m1 by m2 k रख दें, तो ये आ जाएगा, तो k is to 1 रेशियो है, तो ये आएगा, ये जनरलाइज कर दिया हमने इसको, और जनरलाइज कर दिया। और स्पेशल केस समझिएगा, एक लाइन है x1 y1 यहाँ, x2 y2 यहाँ, पी एक्स वाई, ये जो p पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर पे है, यानी 1 is to 1 रेशियो में कर रहा है, तो m1 by m2 क्या हुआ 1, m1 by m2 1 हुआ, तो m1 by m2 1 हुआ, या इसको बोलिए k आपका 1 हुआ, k is to 1 लगा दीजिए इसमें, सीधा आपका 1 1 1 1 1 plus 1 1 plus 1, यानी कि जो मिड पॉइंट होगा, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये होगा x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2, ये आपके, ये आपका एक्चुअल पॉइंट हो जाएगा, सेंटर का पॉइंट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं उन पॉइंट के जो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को, जो माइनस फोर माइनस थ्री और एट फाइव को थ्री टू वन इंटरनली करता है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर ये दो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पॉइंट लूँ तो इंटरनली करता है, और अगर मैं इसी लाइन पे यहाँ यहाँ ये यह है ये बी है, अब मैं पी यहाँ ले लेता हूँ, पी इस पी जो है एक्स वाई यहाँ लेता हूँ, तो ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है, ये P पॉइंट एक्सटर्नली, अगर ये P लेते तो ये AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा होता, तो ये इंटरनली का मतलब ये है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला रखेंगे जो हमने अभी भी सीखा, यहाँ पर ये वाला, ये है m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 by 2 plus m2 y1 by m1 plus m2, बस यहाँ पर हम सीधा रख देंगे और हम देखेंगे कि डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि दो कोऑर्डिनेट जो है P पॉइंट का 7 और 3 आएगा। इसी तरीके से अगर माइनस फोर्थ सिक्स आपके दो पॉइंट है ए और बी को डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है ये जानना है, तो हम क्या करेंगे,
इस रेशियो को हम मान लेते हैं m1 is to, मान लीजिए ये जो है m1 is to m1 is to m1 m2 में डिवाइड करता है, हमें m1 और m2 अभी पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? हमें दिया गया है कि -4 जो है वो ये है, जो अभी अभी हमने सीखा, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, जरा अलग अलग लिख लीजिए। -4 को ये x वाले जो कॉर्डिनेट है उससे, एक को ऑर्डिनेट से बराबर करिए, एक को एब्सिसा से, तो एक को x पॉइंट से करेंगे, एक को y पॉइंट से करेंगे, यानी x हमारे पास ये -4 है, y आपका 6 है। अब इसको इक्वेट करिए और इसको सॉल्व करिए m1 m2 को, आप देखेंगे m1 और m2, अगर रेशियो देखेंगे इसका m1 और m2 का, पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो m1:2/7 आएगा। इसी तरीके से आप दूसरे में करना है तो जैसे मैंने आपको जो तरीका बताया था, आप पूरे को m2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, m2 तो क्या आएगा, m1/m2 में डायरेक्ट आप सीधा 2/7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2/7 लिख देंगे और -8 × 2/7 + 10 × 2/7 + 1 6 आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 6 आना चाहिए, तो एक बार हमने 4 लिया, एक बार 6 लिया, इसका मतलब यह है कि हमको पहले से ही पहला वाला जो इक्वेशन था उसी से 2:7 मिल गया, यही निकालना था, ये हमने केवल वेरीफाई किया। तो 2:7 रेशियो में, यानी कि ये अगर इस तरीके से करें, ये इधर पे होगा, ये 2 यूनिट होगी यहाँ पर, 1, 2 और यहाँ पर 7 यूनिट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 7 यूनिट होगी, कुल मिला के 9 का लेंथ होगा ये। दूसरा तरीका एक और है, आप m1/m2 को k:1 बोलिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका जो सोल्यूशन का तरीका है वो आसान हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक k+k:1 वाला इंट्रोड्यूस किया था, k:1 मानिए इसको, तो -4 इसी तरीके से करना, इसी तरीके से k:1 में ये बनता है और ये बनता है x और y, तो -4 को इक्वेट करिए इससे और यहीं से आपको k:1 मिल जाएगा, यानी k देखिए 7k = 2 आया, तो k is k:1 की जरूरत भी नहीं है, k = 2/7 आपका आ गया, तो यही k:1 होता है, k:1 तो 2/7 यहाँ पर भी आ जाएगा, ये दोनों तरीके। अब आपको कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट्स का जो ट्राइसेक्शन में है, यानी कि ए और बी को 3 इक्वल पार्ट में किया गया, ये पार्ट, और जो ए पॉइंट है वो 2-2 है, ये है -7, 4, तो देखिएगा ये है 1 पार्ट और ये है 2 पार्ट, तो पी निकालने के लिए 1:2 m1/m2 आपका 1/2 लेंगे, राइट। इस वाले में क्या करेंगे, क्यू निकालते समय ये 2 पार्ट हो गए, ये 1 पार्ट हो गया, तो इसको निकालते समय m1/m2 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1, जब 1:2 लेंगे तो ये कॉर्डिनेट आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, -1, 0 आएगा, और जब 2:1 लेंगे, 2:1 तो आप m1 2 लेंगे, m2 1 लेंगे, यहाँ रखेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला था, एक बार और रिविजिट कर लीजिए इसको, तो -4, 2 आ जाएगा, ये आपके अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही आपको रेशियो निकालना है इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं वाई एक्सिस में क्या होता है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का मतलब ये होता है x = 0, यानी x कोऑर्डिनेट आपका 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मानते हैं कि रेशियो k:1 है, सेक्शन फॉर्मूला में रख दीजिए m1 m2 वाले में, लेकिन m1 m2 की जरूरत नहीं है, सीधा k रखिए, k वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें डायरेक्ट रख लीजिए। इसको रखने के बाद आप देखें कि आपको कुछ करना नहीं है, इन्होंने सीधा कहा है कि वो पॉइंट बताना है जहां पर y एक्सिस से ये लाइन टकराती है या कट करती है, तो आप क्या करेंगे, y एक्सिस में क्या होता है, x 0 होता है, तो इसको 0 रख दीजिए, बस आपका k 5 आ जाएगा, और k को अगर आप 5 इसमें रख देंगे, इस वाले में, तो आप देखेंगे बेसिकली k आपका 5:1 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है तो k इसमें और इसमें रख दीजिए, आपका एक बार 0 आएगा, क्योंकि 0 बोला ही गया है, 0 ही आना चाहिए, लेकिन दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ रखते ही, वो आएगा -13/3। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं जो y एक्सिस से टकरा रहा है, ऐसे x एक्सिस से निकालना होगा तो y एक्सिस को 0 करेंगे, -4k - 6 / k+1 इसको 0 करेंगे। इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी वर्टिसेस ये आपको दे दी गई 4, अब ऑर्डर में है, यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये डी है, इस तरीके से ऑर्डर में ली गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये पी ये नहीं दिए गए आपको। अब इसमें एक चीज है, आप ध्यान रखिए कि पैरेललोग्राम में जब ये आप डायगनल बनाते हैं, ये डायगनल आपस में बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब ये इसके बाइसेक्शन का पॉइंट जो होगा वही इसके बाइसेक्शन का होगा, यानी हम क्या करेंगे 1:1 रेशियो में ए और सी लेंगे, मतलब मान लीजिए ए और सी को ये पॉइंट 1:1 में कर रहा है, तो आप सीधा आप क्या करेंगे 6 + 9/2 + 4 + 1/2, क्योंकि ऑर्डर में है ए और सी लिया हमने, ये ए और सी 6 + 9/2 + 1 + 4/2 जो आप ले पा रहे हैं, इसको बराबर कर दीजिए किससे 8 + p/2 + 2 + 3/2, क्यों लिया ये, क्योंकि यहाँ पर डी और बी 8 + p/2, क्योंकि हम जानते हैं x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, ये आपका जो अगर इक्वल
या बाई सेक्शन लेना है तो ये पॉइंट आता है। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि ये पॉइंट इसके बराबर है, इक्वेट कर दीजिए सीधा, इससे पी आपको साथ मिल जाएगा। ये पॉइंट हमें चाहिए था।